नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई, दिन बुधवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पद्म भूषण से सम्मानित हुए रामविलास पासवान की आज है जयंती। प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों को दी नसीहत। राजद पार्टी का स्थापना दिवस पर लालू यादव ने किया झंडोत्तोलन। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कही ये बात। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी बीजेपी। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। यूसीसी के विरोध में खड़े लोगों को आरएसएस नेता की नसीहत। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर पूरे देश में राजनीतिक घमासान जारी है। कोई इस पर विरोध जता रहा तो कोई इसके समर्थन में खड़े होकर इसके फायदे गिनवा रहा। अब इसी कड़ी में जो लोग इसके विरुद्ध हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इसके लागू होने से जातीय छुआछूत और भेदभाव खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे विरोध करने वालों की बात में ना आए। इस कानून को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के समर्थक अधिक हैं और इसके विरोध में खड़े लोग कम हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है मजहबी दंगों से मुक्ति। आगे उन्होंने इस कानून को समझाते हुए कहा कि इसका मतलब है कि मजहब से मजहब की बुराई न करना। इसका मतलब है दूसरे मजहब की इज्जत करना। इसका मतलब है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इस कानून का मतलब है कि मजहब ही सिखाता है आपस में प्यार करना। प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों को दी नसीहत। चुनावी रणनीतिकार से अपनी राजनीतिक दिशा तय कर रहे प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों को नसीहत दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मुहिम केवल संख्या बल से सफल नहीं हो सकती। उनको धरातल पर कुछ ठोस करना होगा। आगे उन्होंने बताया कि जनता के सामने एक नैरेटिव बताना होगा। जनता को विश्वास दिलाना होगा कि विपक्ष दलों का गठबंधन केवल गठबंधन नहीं है बल्कि अगले 5 साल तक के लिए जनता की आकांक्षाओं पूरा करने की पूरी तैयारी करके आ रहा है। बिना किसी जमीनी ताकत के केवल दलों की संख्या देकर लोग समर्थन नहीं देंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त विपक्ष तभी काम कर सकता है जब यह सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लहर पैदा कर सके। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर तेज प्रताप ने कही ये बात। तेजस्वी यादव को लेकर सीबीआई द्वारा किए जा रहे जांच और अन्य चार्जशीट जैसे मामले सामने आने पर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर कहा है कि यह सब आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लोगों ने देख लिया है कि महागठबंधन एक हो चुका है। महागठबंधन की ताकत देखकर ये लोग हताश हो गए हैं। मोदी ने देश को लूट लिया, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या देंगे इस्तीफा? रत्नेश सदा ने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश से शिकायत करने की कही बात। शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद जिस तरह से केके पाठक कई तरह के आदेश निकाल रहे, इसे लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और केके पाठक के बीच विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें केके पाठक अपने कई सरकारी आदेशों को लेकर चर्चा में रहे। दरअसल कभी मीटिंग में अधिकारियों के साथ उनकी गाली गलौज की खबर सामने आई तो कभी उन्होंने कर्मियों के ड्रेस पर सवाल खड़े किए। अब इसी कड़ी में उन्होंने महादलित टोलों के शिक्षकों को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए हैं, इसे लेकर खूब बयानबाजी देखी जा रही है। इसी कड़ी अब हाल में ही नीतीश मंत्रिमंडल में संतोष मांझी की जगह शामिल हुए रत्नेश सदा ने बयान देते हुए यह तक कहा कि वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। दरअसल उन्होंने केके पाठक के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को लेकर कहा कि यही कारण है कि महादलित टोले के शिक्षक जो महादलित के बच्चे को पढ़ाते हैं उसको लेकर नया गाइडलाइन जारी कर उनके वेतन में कटौती के आदेश दिए हैं, जो गलत है। 90% अगर बच्चे की उपस्थिति नहीं रहेगी तो महादलित टोले के शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। यह फरमान कहीं से उचित नहीं है। राजद पार्टी के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने किया झंडोत्तोलन। पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। लालू यादव स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुए। समारोह में शामिल होने के दौरान उन्होंने राजद कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। उसके बाद उन्होंने राजद पार्टी में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान राजद के सभी कार्यकर्ताओं ने झंडे को सलामी दी। समारोह के दौरान राजद के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मालूम हो कि राजद पार्टी की स्थापना दिल्ली में 5 जुलाई साल 1977 में हुई थी। पद्म भूषण से सम्मानित हुए रामविलास पासवान की आज है जयंती। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज जयंती है। रामविलास पासवान के इस जयंती पर उनके बेटे चिराग और उनके भाई पशुपति पारस दोनों की ही पार्टियां जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही। मालूम हो कि उनके निधन के बाद पारिवारिक कलह के कारण पार्टियां दो भागों में विभाजित हो गई, इसलिए एक ही घर में दो दो जगह उनके जयंती का आयोजन हुआ। रामविलास पासवान कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में की थी। इन्होंने अपना राजनीतिक सफर हाजीपुर से शुरू किया जहां वे वर्ष 1977 में लोकसभा सांसद बने। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर लालू तेजस्वी को फंसाने का लगाया आरोप। बीते ही दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर की गई। इसे लेकर राजद के कई कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं।
अब इसी कड़ी में अपने बयान की वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले सम्राट चौधरी का एक बार फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू और तेजस्वी को कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने फंसाया है। आगे उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोगों को सीएम नीतीश से पूछना चाहिए कि आखिर रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने के जो कागजात है वो सीबीआई को किसने दिया, और जब सीबीआई को सबूत खुद सीएम ने दिया तो लालू परिवार को कोई और कैसे फंसा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जदयू को यह भी बताना चाहिए कि आखिर सीबीआई को यह कागजात उन लोगों ने क्यों दिया। राजद सुप्रीमो लालू यादव जब जेल में गए तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, यहां पूरा षड्यंत्र रचने का काम नीतीश कुमार ने किया। जदयू के ललन सिंह ने बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का लगाया आरोप। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस देखी जा रही, इसके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना समर्थन दिया, हालांकि कई लोग इसके विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बिहार में भी इसे लेकर सभी पार्टियां अपना अपना रुख रही। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने अपने बयान दिए हैं। दरअसल उन्होंने भाजपा सरकार पर धार्मिक उन्माद फैलाना, सत्ता में रहने का आरोप लगा है। साथ ही इसे लेकर कहा कि इस बिल का पार्लियामेंट में पुरजोर विरोध किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आज समूचा मुल्क बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, सभी देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और अर्थव्यवस्था चौपट है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार आज सिर्फ देश का सद्भाव बिगाड़ने और देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी बीजेपी। बिहार में विरोधी दल लगातार धरना दे रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस नियम को लेकर गर्मा रही सियासत पर अब शिक्षक के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा बीजेपी की तरफ से भी कर दी गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने MLC नवल किशोर का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर बिहार सरकार की नीति सही नहीं है। उच्च शिक्षा में कुछ वक्त पहले हुई नियुक्ति में दूसरे प्रदेशों के 97% बच्चों को सिलेक्शन हुआ। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षकों के समर्थन में बीजेपी और आगामी मानसून सत्र के दौरान शिक्षकों के साथ ही बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। इस वजह से ममता बनर्जी के विपक्षी एकता के दूसरे बैठक में शामिल होने पर संशय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई विपक्षी एकता के पहल की पहली बैठक पटना में सफलतापूर्वक समाप्त भी हो गई। अब इसकी दूसरी बैठक बेंगलोर में होने वाली है, लेकिन जहां पटना में हुई बैठक में ममता बनर्जी सबसे पहले पटना पहुंची, नीतीश और लालू से मुलाकात की, वहीं अब विपक्षी एकता के बेंगलोर में दूसरे बैठक के दौरान उनके आने पर अब संदेह बन चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी हाल में ही खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर के आपात लैंडिंग के दौरान वे घायल हुई थी, जिस वजह से उनके घुटने का ऑपरेशन होने वाला है। लालू यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप हमारी भाईचारा को रौंदे जा रहे हैं, प्रेम भावना से रहने वाले लोगों के बीच नफरत फैलाया जा रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसको खत्म करने की आज कोशिश की जा रही है, आज लोग एकजुट हो रहे हैं तो उन्हें डराया जा रहा है। अगर उन्होंने तेजस्वी पर सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट की बात करते हुए कहा कि आज उनको जो करना है कर ले, कल जब उनकी सरकार जाएगी तब क्या होगा, आज जिसको जो मन में आए वो करे, मुकदमा करना है तो वो भी करे, लेकिन जिस दिन आप जाइएगा उस दिन क्या होगा यह भी आप सोच लीजिए, हम लोग अब डरने वाले नहीं है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कही ये बात। सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर किए जाने को लेकर सुशील कुमार मोदी लगातार बयानबाजी किए जा रहे हैं और नीतीश मंत्रिमंडल से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि 2017 में जब भ्रष्टाचार के मामले की प्राथमिकी और जांच में तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आया था तब मुख्यमंत्री ने बिंदुवार जवाब मांगा था, अकेले में उनसे बात की थी, संतुष्ट न होने पर महागठबंधन सरकार का इस्तीफा सौंप दिया था। उस समय बीजेपी के बिना शर्त समर्थन देने से उनकी कुर्सी बच गई, अब उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने लालू परिवार के भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। राज ठाकरे ने शरद पवार पर लगाए आरोप। महाराष्ट्र में मौजूद राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शरद पवार और उनके पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के तजा राजनीतिक घटनाक्रम को खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का हाथ हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में जो हुआ वह बेहद घृणित है, यह महाराष्ट्र के मतदाताओं के अपमान के अलावे और कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में इन सब की शुरुआत पवार ने की। आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार 1978 में पुरोगामी लोकशाही दल सरकार का प्रयोग किया था, महाराष्ट्र ने पहले कभी ऐसे राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखे थे, ये सारी चीजें पवार से शुरू हुई और पवार पर ही खत्म हो गई। RSS चीफ मोहन भागवत ने कही ये बात। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के अध्यक्ष मोहन भागवत ने हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि संघ के नेताओं ने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। बता दें कि भागवत ने ये बातें RSS के दिवंगत नेता लक्ष्मण राव इनामदार के जीवनी के मराठी अनुवाद के विमोचन के दौरान कही। मालूम हो कि RSS नेता की यह जीवनी वर्षों पहले राजा भाई नेने और नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई थी। आगे उन्होंने आपातकाल के दौरान चर्चा में रहे बड़ौदा डायनामाइट मामले का जिक्र किया और कहा कि मैं उस समय करीब 25 साल का था। बड़ौदा डायनामाइट मामले के बाद हम युवाओं को लगा कि हम कुछ साहसी काम कर सकते हैं, युवाओं को संघर्ष और साहस पसंद होता है, लेकिन लक्ष्मण राव इनामदार ने हमें मना करते हुए कहा कि यह RSS की शिक्षा नहीं है।
डोमिसाइल नीति पर प्रशांत किशोर ने कही ये बात। बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से डोमिसाइल नीति में बदलाव करने और अन्य राज्यों के छात्रों के लिए इस परीक्षा में हिस्सा लेने के रास्ते खोलने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते दिनों नियोजित शिक्षकों के साथ मारपीट होना गलत है। बिहार में लोग रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ की सरकार ने डोमिसाइल नीति ही बदल दी है तो बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग बिहार में आकर शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा अन्याय और ज्यादती बिहार के बच्चों के साथ और क्या होगी। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विपक्ष द्वारा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की जा रही, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।